क्लास 12th में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं मैथ्स में असाइनमेंट मिला करके, तो दोस्त थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि इंटीग्रेशन का है। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 - x² की होल पावर 3/2 है। करेंगे कैसे ध्यान से समझना। तो पहला स्टेप इसका ये रहेगा, आप यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है इसको टी लेट करेंगे, टी लेट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको मिलेगा 1√(1 - x²)dx = dt। अब यहाँ पे जब इसको क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे, अब नीचे यहाँ पे x² रूट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है कि आपने क्या लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स x को टी लेट किया हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू साइन t आएगी। तो जब आप यहाँ पे इसको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म है, पहले पावर यहाँ पे क्या थी क्वेश्चन में 3/2 थी, तो ये आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये फॉर्म मिली। उसके बाद जब आप इसको क्वेश्चन में सब्सिट्यूट करेंगे, आप खुद से करके देखना तभी आप समझ पाएंगे इस स्टेप को, ओके। तो आपको मिलेगा टी अपॉन 1 - sin²t dt। तो यहाँ पे 1 - sin²t क्या होता है आपका cos²t होता है, और 1 upon cos²t क्या होता है sec²t होता है, तो ये मिलेगा आपको t sec²t dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिलेगा t tan t + log cos t + c। अब यहाँ पे t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो फाइनल आंसर ये मिलेगा, करेक्ट। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो हम अभी शुरू कर चुके हैं ये आपको ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओसवाल की बुक है, और अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।